You are watching NTTV News, News Telangana Television. पूरों के नाम मालूम है? पूरों के नाम से कंप्लेंट लिखाती हूँ बोलो। हाँ। और पूरों के नाम लिख लो, नाम लिख लेने के बाद क्या है? वो तो पूरों के नाम पे एक बार देख ले तो, जब खानदान वाले भी सुधरते, उन्हों भी सुधरते, सब भी सुधरते। हाँ। एक आदमी को 25,000 रुपए चालान है, मालूम आपको? हाँ। पूरों के नाम से जब देख ले तो क्या होता, जब पूरे राइट हो जाते, अरे महा की गिर, ये क्या मुसीबत हो गई रे भाई, खाली बिली एक के जिंदगी के हाथ से महा को पूरे जेल को जाना पड़ रहा बोलते, तो उसका जनों के चालाना नहीं भर सकते लोग, समझे बात? जितने 20 आदमी 50 आदमी जितने भी आदमी आते पूरों के नामा लाइन से लिखा देना, समझे बात को? बोला क्या की समझ रहे, मगर करने बैठे तो बहुत कुछ है, नहीं करने बैठे तो कुछ भी नहीं, समझे बात? अरे बड़े बड़े बात है, मैं कुछ भी नहीं कर सकते तुम्हारे बाबा, मैं जो करता हूँ वो करता हूँ, क्या की कर? एक काम करो सुनो मेरी बात सुनो, मैं तो शायद के समय रख दिया, और जिस दिन भी तुम यहाँ आएंगे ना, जिस दिन भी तुम यहाँ पे आएंगे शायद के समय तुम मैं दोनों बैठेंगे, शायद के समय पूरा उगलो, और तुम उन्हें रहते पर तुम नहीं बोल सकते उनकी भी बात। हाँ बात पीछे बोल रहे, तो हम भी बात पीछे बोलना, फिर बत पीछे लोगों को क्या क्या बोल लेते फिर रहे ना, वैसे बत पीछे बोलना ऐसे लोगों को भी, मैं आज तक नहीं बोली थी मगर अब तो बोलती हूँ। आज तक कभी घर की इज्जत बोल के बहुत मरे, हमारी बेइज्जती बाहर करते। हाँ जहालत बताती हूँ ना, अब तक तो नहीं बताई थी, अब जहालत पूरी बताती हूँ, जितनी मेरी जहालत देखा नहीं ना, अब देख। नहीं है। अच्छा ठीक है, राशन कार्ड नहीं भेजे ना? हाँ वो दो आ गए, एक राशन कार्ड का भी जिराज भेजो, ठीक है? हाँ फोटोकॉपी निकालो, फोटोकॉपी निकाल के भेज दो, भेज दे के डिलीट कर दो। अम्मा के जरा कुछ होता तो केस कर देते थे, कहते वो कर देता था, कहते मैं बोली अगर मैं चिट्टा खोलने बैठी शुरू से, तो अपने लिए बहुत अच्छा है, कहीं तुमने तो औरत भी केस करने का रहता, मर्दा जाके केस नहीं करता, मर्दा क्या जाके बोल के केस करता, और उन्हें फंसता, और उन्हें केस करना भी अपने लिए बहुत अच्छा फायदा है, करता कहते जाके करने दो, कब करता की देखेंगे, करो बोलो, करा तो फिर करना है, करो बोलो, बोली ना जो करते करो, जाओ जी जाओ, क्या ढागा बिठा रहे हैं, खाली खाली उल्टी चिरती बोल के, हाँ खाली ढागा बिठाने के हैं, बात क्या है, तुम्हारे बाबा लीडर है बोले तो हमारे बाबा लीडर की नहीं बता रहे, बेटी को दिए बेटी के तरफ से इंसानियत बता रहे, बोलो वैसे भर रहा, अम्मा के भर रहे पे नाच रहे, अम्मा के भर रहे पे नाच रहे होंगे तो, अरे ठहरो जी बेटे, समझे? जान दो छोड़ो, किताबें आंटो तो आंट नीचे होती, खा ली, जान दो छोड़ो, खाए तुम खाना, वो अल्लाह मालिक है, करने के टाइम पे बहुत कुछ कर सकते, मगर जान दो छोड़ो, कहीं कुछ चूक के बोल, कुछ भी ना बोलो तुम, नहीं बोलती मैं कहीं को बोलूँ, अगर उल्लाह बोले तो मैं तो नहीं छोड़ने वाली, मेरे पीछे लगेंगे तो, कुछ भी छू छाकर कुछ भी करे गौरी तुम आने की कोशिश करो, रहमान को भेज दो, खत्म, यहाँ छू छा कर लेते नहीं रहती मैं, अब कहते नेक्स्ट टाइम, कहते उनकी अम्मा से लड़े तो कहते जो करना है उन्होंने करते, कहते मैं बोली जाओ जी जाओ, क्या करते कहते, अब अगर बहस हुई घर में जो करना है मैं करता हूँ, जब कहते बोली जाओ जो करते करो मर्जी तुम, जो करते करो बोलो, हम यहाँ हाथ पे हाथ धरे के बैठे हुए रहते, तुम करो जाके, बोलते बोली कुछ भी नहीं, बोलिए जो करते करो बोलो, दूसरी को लाते, तीसरी को लाते, चौथी को लाते, उन्होंने जो बोला अपन जो करना है अपन करेंगे, खत्म, टाइम दे देना खत्म, कोई डरने को ना बैठा, जब देखा जब चूके ढागा कह के ढागा, अरे बोलने वाला खुद बोल रहा बाहर जाके, फिर मेरे को बोलते वो ऐसा बोले कहीं को ढिंढोरा फिर भाई बाहर, तू खामोश रहे ना, फिर आदमी की तरह आदमी ने दोस्तों के सामने बोल देता कुछ भी, उनके सामने कुछ भी बोलता नहीं, मालूम अभी आज करते कि कल करते कि जनरल में डाले का पका के करके दे रहे ने, दे रहे। हाँ कल फैसला लेके आए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, मेरा नाम मोहम्मद अनवर दस्तगीर है। क्या करते हैं आप? मैं मस्जिद में मौजन हूँ। मिस्टर अनवर, आप पे ट्रिपल तलाक का इल्ज़ाम है, आपकी बीवी जो मेरा नाम है आपके खिलाफ पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट एफ आई आर है, ये क्या ये बात सच है या गलत है? ये सरासर गलत है। क्या वजह हो सकती है लड़े की? राशिद जो है
मेरे घर में आते थे राशिद, और जो है हमारे घर वाले जो है बार बार वालदा से जो है लड़ते थे, उसके बावजूद जो है मैं उनको अलग घर लेके सेपरेट घर लेके रहा। फिर उसके बाद जो है हमारे पड़ोसी बोले कि भाई आप जाने के बाद वो राशिद नाम का लड़का घर में आ जाता, तो जो है मैं उन्होंने बोले तो भी खामोश बैठ गया, मैं उसको सीरियस नहीं लिया। उसके बाद मैं घर काम से जाने के लिए घर को निकल गया, फिर वापस आ गया। मैं आए तो जो है दोनों कमरे में अंदर है, मैं दोनों को राइट हैंड पकड़ लिया। उसके बाद में क्या करया उसके बाद में उनके वाली साहब को बुला के मैं खुफिया कैमरे से जो है मैं वीडियो लिया। वीडियो है उसकी? जी। ये वीडियो आप लिए या कौन लिए वीडियो? ये वीडियो जो है मैं खुफिया कैमरे से लिया, क्योंकि मेरे को इनके ऊपर शक हो गया था, तो मैं इनके वालिद साहब को बुला के बिठा के बात करें हम, तो जो है मेरा ये बोले कि जो है हंसी हंसी मजाक में बात इतनी बढ़ गई, हम नहीं समझे थे, जो है बात इतनी बढ़ गई बोल के मेरा ये बोले। कितने साल से उनका ये अफेयर चल रहा था बोले? दो साल से हम दोनों का अफेयर चल रहा बोल के बोले जी। तो यही वजह है आपके खिलाफ इल्जाम लगाने? और एक बात सामने आ रही थी, कुछ आप पैसे का डिमांड करें बोलिए या? नहीं नहीं, पैसे का डिमांड नहीं करा उनसे, उनसे पैसे का डिमांड नहीं करा मैं, उनसे पैसे का डिमांड नहीं करा मैं, और मैं उनसे जोड़े की रकम भी नहीं लिया शादी में, और जो है मैं मेहर के पैसे जब का जब ही अदा कर दिया। तो जब आप काउंसलिंग करे तो उसके बाद में कुछ उनका रवैया बदला या वो सुधरे या वैसे थे? उन्होंने मैं उनको मौका दिया एक, मगर फिर भी उन्होंने नहीं सुधरे, बार बार जो है बच्चे को मैं जाने के बाद बार बार बच्चा घर पर आ जा रहा था। मेरे पड़ोसी बोले कि भाई आप जाने के बाद बार बार बच्चा आ जा रहा, और हंसी मजाक बात जो है इतनी आते रहती, दो दो घंटे दोनों अंदर रहते हंसी मजाक करते रहते, क्या है ये बोल के बोले। और अल्लाह पाक सूरह निसा में फरमाता है कि औरत को हिजाब में रहना चाहिए, तो मैं उनको हिजाब में रखा, अच्छी तरीके से रखा, मगर उनका रवैया जो है मेरे साथ अच्छा नहीं था। सडन उन्होंने गए, उसके बाद में आपके ऊपर केस फाइल कर जी। तो इसकी शिकायत आप जैसे जब आपको ने प्रूफ थे तो जब तो आप मीडिया में नहीं आए, बाद में आप पुलिस के सामने ये बात रखें? नहीं, मैं ये नहीं चाह रहा था कि जो है उनको बदनाम करना बोल के, अब उन्होंने मेरे ऊपर इल्ज़ाम डाले कि 3 तलाक दिए, तो मजबूरन मेरे को जो है ये मीडिया में आना पड़ रहा मेरे को, क्योंकि अल्लाह पाक फरमाता है तुम दूसरों के ऐप को छुपाओ और मैं तुम्हारे ऐप को छुपाने वाला हूँ, तो वो मैं अल्लाह रसूल को जानता हूँ, इस अल्लाह रसूल की बात जानता हूँ, इसीलिए जो है मैं नहीं अभी तक उनको वीडियो नहीं करा था, शो नहीं करा था मैं अभी, ये तो एक वीडियो बताया, आइंदा जो है कोर्ट में या जो है पुलिस स्टेशन में मेरे पास और दूसरे भी वीडियोज़ है, मगर अभी मैं शो नहीं करा, जब करूँगा तो वो देख ले सकते। और उनको जो है दूसरे लोग ऐसा भटका रहे हैं कि जो है 3 तलाक दिया बोल के मेरे खिलाफ बोल रहे हैं कि मैं 3 तलाक दिया बोल के, और मैं 3 तलाक सर मैं दिए ही नहीं 3 तलाक। मेरे को जो है पुलिस पे और कानून पे पूरा भरोसा है, मेरे साथ इंसाफ होगा, और ये जो गलत इल्ज़ाम डाले हैं और मेरे पास जो वीडियोज़ है वो वीडियोज़ की बिना पर जो है मेराज पे और राशिद पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और ये मैं इसीलिए मीडिया में बोल रहा हूँ कि जो है आइंदा कोई भी बच्ची जो है गैर मामूली जो है 3 तलाक दिए बोल के जो है इसका फ़ायदा ना उठाए, क्योंकि तलाक दिए तो उसका भी गवाह रहता है, और उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो अगर मैं दिया हूँ तो वो जो है पेश करो मेरे सामने कि भाई पुलिस के सामने पेश करो कि मैं दिया बोल के। और मेरी मीडिया से भी एक रिक्वेस्ट है कि सिक्के का एक पहलू देख के जो है फैसला करके वीडियो शो करना, पेपर में डालना, न्यूज़ में डालना वो गलत है, सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना चाहिए कि भाई क्या सही है क्या गलत है। मैं उन लोगों से गुजारिश करता हूँ कि जो है वो जो है सिक्के का दूसरा पहलू भी देखें, और जो है जो भी है सही सही डालें और मेरे साथ इंसाफ करें।